नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौतम, मेरा एक्सेलेंट मेडिसिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में जिस मेडिसिन या दवाई के बारे में आपको जानकारी देंगे, सबसे पहले दवाई के कंपनी एवं दवाई के नाम बताएंगे, उसके बाद दवाई के कंपोजिशन के बारे में आपको जानकारी देंगे, उसके बाद दवाई के बेनिफिट्स या फायदे के बारे में आपको जानकारी देंगे, उसके बाद दवाई के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, साथ ही साथ दवाई के डोज कब और कितना लेना चाहिए उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, उसके बाद दवाई के MRP या कीमत के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, एवं सबसे आखिर में दवाई कहां पर उपलब्ध होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक अच्छा तरह से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद मेरे बताए हुए मेडिसिन या दवाई की इस्तेमाल कीजिए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये एक मेडिसिन है, एक केमिकल होता है, इसका सही इस्तेमाल करने से जितना फायदा मिलता है और गलत इस्तेमाल गलत तरीका से इसका सेवन करने से उतना ही हानिकारक होता है। इसलिए आधा अधूरा वीडियो देखने के बाद कभी भी कोई भी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस मेडिसिन या दवाई के बारे में आपको बताएंगे, वो दवाई लुपिन लिमिटेड का दवाई है और दवाई का नाम है लुपिटास CPM सिरप, LUPITUSS CPM सिरप। दोस्तों, ये एक डुअल कॉम्बिनेशन वाला दवाई है, इस दवाई के अंदर दो तरह के सॉल्ट मिलाया गया है। सबसे पहले जो सॉल्ट इसका अंदर मिलाया गया है उसका नाम है लिवोक्लोपैरास्टाइन 20 मिलीग्राम, एवं साथ ही साथ मिलाया गया है क्लोरफेनारमाइन मैलेट 4 मिलीग्राम पर 5 ml के हिसाब से। दोस्तों, ये दवाई एक ड्राई कॉफ सिरप है, ड्राई कॉफ, एलर्जिक कॉफ, सूखे खांसी, जिस खांसी में कफ नहीं निकलता है, बलगम नहीं निकलता है, सीने में घड़घड़ाहट शब्द नहीं होता है, सीजनल इन्फेक्शन के वजह से, एलर्जिक इन्फेक्शन के वजह से, रेनी सीजन के वजह से, बारिश में भीगने के वजह से, ठंडी चीज खाने के वजह से, फ्रिज का पानी पीने के वजह से, ठंडी हवा लेने के वजह से, यह ज़्यादा एसी का इस्तेमाल करने का वजह से, अगर आपको एलर्जिक कॉफ, ड्राई कॉफ या सूखा खांसी होता है तो यह सिरप का इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, तुरंत आपका खांसी से आराम मिलने लगेगा। दोस्तों, ये लुपिटास CPM सिरप ड्राई कॉफ के लिए एक स्पेशलिस्ट है, एक रामबान है, इसका पहले डोज से ही आपको आराम मिलने लगेगा। ड्राई कॉफ या एलर्जिक कॉफ के वजह से गले में या थ्रोट में इचिंग होता है या खुजली का फीलिंग होता है, और साथ ही साथ कोल्ड, फ्लू और थ्रोट इरिटेशन का सिम्टम भी दिखाई देता हो, तो ये लुपिटास CPM सिरप का इस्तेमाल करने से तुरंत आपका ये कोल्ड, आपका ये फ्लू, आपका ये थ्रोट इरिटेशन, आपका ये गले में खुजली, खारस और साथ ही साथ ड्राई कॉफ से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा एलर्जी कंडीशन के वजह से वाटर या आइस या आँख से पानी निकलना, आँख में खुजली महसूस होना, आँख में रेडनेस आ जाना, इन सब सिम्टम से भी आपको आसानी से छुटकारा मिल जाता है इस दवाई का इस्तेमाल करने से। इसके अलावा छींके आना, रानी नोज या नाक से पानी बहना या स्नेजिंग, नाक बंद होना, इन सब सिम्टम में भी ये दवाई बहुत अच्छा काम करता है। और लुपिटास CPM सिरप लेने के साथ साथ ये ड्राई और एलर्जी कॉफ में गुनगुना पानी में नमक और अदरक मिला के अगर गार्गलिंग करेंगे तो आपको दोगुना तेजी से रिजल्ट मिलने लगेगा। और साथ ही साथ हनी या शहद का सेवन करने से भी
यह ड्राई कॉफ में तुरंत आराम लगने लगता है, आपका गले का इरिटेशन कम होने लगता है और ड्राई कॉफ में तुरंत फायदा पहुंचाने में मदद करता है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ये लुपिटा सीपीएम सिरप के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। यह सिरप का इस्तेमाल करने से आपको कौन कौन समस्या का सामना करना पड़ता है उसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल करने से स्लीपनेस अर्थात नींद ज्यादा आने का समस्या होता है, सेडेशन नींद के वजह से आंख बंद होने लगता है, इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर का शिकायत भी हो सकता है, इसके अलावा फैटिगो, कॉन्फ्यूशन, डिजीनेस, पाल्पिटेशन और हेडेक का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था ये दवाई के कुछ साइड इफेक्ट। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ये लुपिटा सीपीएम सिरप कब और कैसे और कितना लेना चाहिए, इसका इस्तेमाल करने का तरीका, इसका डोज के बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों ये लुपिटा सीपीएम सिरप लेने से पहले वो जो बोतल है, बोतल को अच्छा तरह से सेक करना चाहिए, बोतल को हिलाना चाहिए, उसके बाद दवाई सवेरे खाने के बाद एक बार, रात में खाना खाने के बाद एक बार, दिन में दो बार, एक बार के डोज में 5 ml दवाई आप पी सकते हैं। दिन में दो बार कम से कम 5 से 7 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये लुपिटा सीपीएम सिरप पीने से पहले थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, उसके बाद इसका सेवन करेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा, काम अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ये लुपिटा सीपीएम सिरप के MRP या कीमत के बारे में। दोस्तों ये एक बोतल में 100 ml सिरप आता है जिसका MRP होता है सिर्फ 140 rupees ओनली या 140 rupees। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी एक्टिव कर दीजिएगा, मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।